हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कपिल आपका सरस्वती वाणी केतन सिंह सेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले प्रश्नावली नंबर 14.2 बीजीय गुणनखंड के अंदर पर आधारित है। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है व्यंजक के गुणनखंड कीजिए एवं निर्देशानुसार भाग दीजिए। इसमें हमने दो काम करने हैं कि पहले तो जो हमारा भाज्य है, भाग के पहले वाला जो पद है, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड जो प्राप्त होंगे फिर उसमें जो अगला भाजक है उसका हमें भाग देना है। तो देखिए, आज हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे गुणनखंड करने का। पहले तो जो आपको भाज्य दिया हुआ है जिसमें हमें भाग देना है, ये भाज्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। अब जो हमारा भाज्य है इसके हम करेंगे गुणनखंड यानी टुकड़े करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको गुणनखंड ही करेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें भाग देंगे। तो पहले आपको दिया हुआ है भाज्य को लेंगे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। अब तीन पद वाला है तो हम तीन पद जो पद होते हैं उस व्यंजक के अंदर पहले देखते हैं पहला और अंतिम पद पॉजिटिव होना चाहिए यानी प्लस में होना चाहिए, दोनों के दोनों किस में है, प्लस में है। पहला पद पूर्ण वर्ग है यानी y स्क्वायर है, लेकिन 10 है वो किसी का भी वर्ग नहीं है, अर्थात ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार का जब पद आ जाता है तो इसे हम a प्लस बी की होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, दूसरा तरीका है गुणनखंड करने का कि जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद को देखते हैं। यदि पहला पद और अंतिम पद, तीन पद है, पहला दूसरा और अंतिम पद, पहले और अंतिम पद में देखते हैं कि y स्क्वायर का भी कोई गुणांक नहीं है, कोई अंक नहीं लिखा हुआ। गुणांक उस संख्या को कहते हैं जो किसी बीजीय या चर राशि के आगे या पहले लिखा होता है, उसे हम बोलते हैं गुणांक। इसका गुणांक कुछ नहीं है यानी एक है, इसलिए हम क्या देखेंगे, यदि हम गुणांक दिया हो तब उस गुणांक का 10 जो अंतिम संख्या है उसे गुणा करते हैं। y स्क्वायर का गुणांक एक है और अंतिम संख्या 10 है, तो गुणा करने पर उत्तर क्या प्राप्त होता है, 10। यदि गुणांक नहीं है तो हम सीधा ही अंतिम पद को लेते हैं, अंतिम पद क्या है हमारे पास में 10। अब इसके क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं। तो 10 के गुणनखंड हमारे पास में दो प्राप्त होते हैं, पहला है 10 एकम 10 और दूसरा है 5 × 10। अब ये जो दो खंड प्राप्त हुए हैं इनका गुणनफल तो दोनों ही स्थिति में क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि इसके हमने खंड कर लिए। अब ये जो दो खंड प्राप्त हुए हैं इनका उत्तर कितना आना चाहिए, प्लस के साथ आना चाहिए। देखिए, यदि हम जोड़ते हैं 10 प्लस 1, दो खंड है, पहला ही है दूसरा ही, दोनों को जोड़ेंगे उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 11। लेकिन इसको जोड़ेंगे 5 + 2 तो क्या प्राप्त हो रहा है, 7। और हमारा बीच वाला जो पद है उसका जो गुणांक है उसके बराबर हमने लेके आना है, तो क्या है, इसका गुणांक 7 है, तो हमने इसको 7 हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2। तो देखिए इस प्रकार से y स्क्वायर प्लस 5 + 2 गुणा में y 7 की जगह लिखा है और ये 10। अब y का गुणा हम इससे 5 + 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस y का गुणा प्लस के 5 से करेंगे तो 5y, फिर प्लस का चिन्ह y का गुणा 2 से करेंगे तो 2y। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 5y और 2y जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 7y प्लस लास्ट में जो पद है वो लिखेंगे। अब हमारे पास चार पद हो गए और चार पदों वाले में वही सिस्टम कि पहले जो दो पद हैं उनको और अंतिम जो पद हैं उनको हम जोड़े में ले लेते हैं। अब इनमें जो जो चीज कॉमन आ रही है यानी 7 गुणनखंड करेंगे इनमें, तो y स्क्वायर और 5y के अंदर क्या कॉमन आता है, y स्क्वायर का मतलब y गुणा में y, एक y y बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा, सिंगल y। अब 5y में से हमने y को बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 5। अब जो चिन्ह यहां पर है वो चिन्ह लगा देंगे। अब ये दूसरा पद है 2y + 10, 2y + 10 के अंदर क्योंकि दोनों में y नहीं है कोई चर राशि कॉमन नहीं आएगी, 2 और 10 इनमें क्या है, क्योंकि 2 और 10 में दोनों सम संख्या है अर्थात 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, सिर्फ y। बीच में जो चिन्ह है वो लगा दी क्योंकि बाहरी प्लस का चिन्ह है इसलिए अंदर का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा।
अब 10 है तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 2 तो 2 हमने बाहर ले लिए पीछे बचा सिर्फ 5 10 के तो यहां पर इसको 5 को कॉमन लेके हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए दोनों ही पद, अब ये दो पद हो गए, पहला पद ये दूसरा पद ये, दोनों में क्या कॉमन आता है y + 5 y + 5 हम पहले लिख देंगे तो y + 5 पीछे क्या बचा है y + 5 इसमें कॉमन लेके पीछे बचा y तो ब्रैकेट में y बीच में कौन सा चीज है प्लस का प्लस का आ गया इसमें से भी y + 5 लेके पीछे क्या बचा 2 तो यहां पे लिख देंगे 2। इस प्रकार से हमारे जो भाज्य है उसके गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है इसमें इसका भाग देना है तो किस प्रकार से देंगे देखें। हमारा प्रश्न था ये कि y स्क्वायर + 7y + 10 इसमें भाग देना है किसका y + 5। तो तरीका वही है जो हमने पहले लिखा उसको वहां लिखेंगे पहले अंश में 7y + 10 यानी भाज्य को हमें अंश में लिखना है फिर भाग के चिन्ह के लिए हमने बटे का चिन्ह लगा देना है और जो हमारा भाजक है उसे हम हर के तौर पर लिखेंगे y + 5 क्योंकि इसके हमने गुणनखंड कर लिए तो इसकी जगह हम इसके गुणनखंड लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। समीकरण 1 से मान हम यहां पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा y + 5 और y + 2 बटे में y + 5। हमने क्या किया कि समीकरण 1 से y स्क्वायर + 7y + 10 के गुणनखंड जो प्राप्त हुए थे उनको हमने इसके स्थान पर रख दिए यानी इसके गुणनखंड यहां पे रख दिए। अब देखें जो यहां पर कट वाला से कट कर देंगे भाग देने पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा लास्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा y + 2। तो बाकी का जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसके जैसा ही है तो आप इनको करके कमेंट करेंगे। अभी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का भाग 2। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था सेम उसके जैसा ही है लेकिन फर्क क्या है कि इसमें जो है दोनों माइनस के चिन्ह है उसमें दोनों किसके थे प्लस के चिन्ह थे। तो इसमें जो हमारा भाज्य है इसके हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और फिर उसमें भाग देंगे। हमारा प्रश्न है m स्क्वायर - 14m - 32 डिवाइड बाय m + 2 यानी हमारा ये भाजक है और ये हमारा भाज्य है तो भाज्य का गुणनखंड करेंगे। तो देखें m स्क्वायर - 14m - 32 अब m स्क्वायर का तो कोई गुणक है नहीं और ये है 32 लेकिन इसके साथ चिन्ह कौन सा है माइनस का तो हम यहाँ पे माइनस के लेते हैं 32। अब हम जानते हैं कि माइनस का 32 जब तुम दो खंड करेंगे इसके क्योंकि गुणनखंड करते हैं दो खंड करते हैं तो दो खंड करेंगे तो यदि हम दोनों ही गुणनखंड धनात्मक कर देंगे यानी प्लस वाले करेंगे तो दोनों के दोनों प्लस रखने पर उत्तर प्लस का 32 आएगा। दोनों के दोनों माइनस के कर देंगे तो भी प्लस का आएगा। इस बार हम क्या करेंगे कि हमें माइनस के 32 चाहिए इसलिए एक खंड प्लस का होगा और एक खंड किसका होगा माइनस का होगा। तो देखिए 32 का मतलब क्या है 32 गुणा में 1 यदि 32 गुणा 1 लिखेंगे उत्तर आएगा 32 लेकिन वो किसका आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो आंसर किसका आएगा प्लस का आएगा। अब यदि हम क्या करते हैं इसको 1 को दोनों को माइनस कर लेते हैं तब भी गुणा करने पर हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा प्लस के ही 32 क्योंकि ये दोनों की खंडों के चिन्ह एक जैसे हो यानी दोनों ही प्लस के हो या दोनों ही माइनस के हो तब गुणा करने पर उत्तर हमारा किसमें आता है धनात्मक संख्या में आता है यानी प्लस में उत्तर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस के 32 चाहिए ना कि प्लस के 32 चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं इसके खंड करते हैं तो एक को लेते हैं प्लस का और एक को लेते हैं माइनस का। संख्या का संख्या से गुणा करेंगे तो 32 का 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर 32 ही आएगा लेकिन माइनस का इस प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर किसका आएगा माइनस का यानी माइनस के 32 प्राप्त होंगे। इसके हम दो बार ही करेंगे दो बार लिखेंगे इसको एक बार 32 प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। उसी प्रकार से एक बार प्लस का एक लेंगे और दूसरी बार क्या लेंगे माइनस का एक लेंगे। अब इसके बाद में देखिए हमें क्या चाहिए माइनस के 14 चाहिए यानी बड़ी संख्या जो खंड करेंगे उसमें जो बड़ा खंड होगा मान बड़ा होगा
वो हम माइनस में लेंगे और जो छोटा खंड होगा उसका मान किस में लेंगे हम प्लस में लेंगे। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 32 प्लस 1 तक आएगा माइनस के 31। अब यदि 32 और ये क्या है माइनस का 1 है तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस का 1 इस प्रकार से करेंगे तो खोलने पर ब्रैकेट क्या प्राप्त होगा बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो उत्तर आएगा माइनस। तो क्या आ गया यहाँ पर 31 प्लस का आ गया, एक बार माइनस का आएगा और एक बार प्लस का आएगा। अब दूसरा खंड करेंगे 32 का दूसरा खंड होता है 16 गुना 32, एक बार हम 16 प्लस करेंगे और एक बार लेंगे माइनस का, पहले माइनस का ले लिया दो प्लस करेंगे, अब 16 प्लस के हो जाएंगे गुणा में माइनस के आ जाएंगे दो। अब इन उनको जोड़ के देखते हैं, अब माइनस के 16 प्लस के 2 उत्तर आएगा माइनस के 14। यदि हम लेते हैं प्लस का 16 और माइनस के 2 तो उत्तर आता है प्लस के 14, जबकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए माइनस के 14, यानी हमारे गुणनखंड कौन से हैं ये हमारा सही जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से, यदि दोनों ही धनात्मक संख्याएं हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक बार गुणनखंड करते हैं दो बार गुणनखंड नहीं लिखते, यानी प्लस या माइनस में नहीं लिखते। अब देखिए इसको माइनस 14 लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस के 16 और प्लस के 2, हम यहां पर करेंगे एम स्क्वायर प्लस के 2 पहले लिख लें, 2m माइनस के 16m, यानी 16m में से 2m को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस के 14m और ये लास्ट का पद 32। अब पहले दो पद अंतिम दो पद, तो पहले दोनों पदों में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ क्या आ रही है चर राशि, यानी व्यंजक जो है वो m दोनों में कॉमन आ रहा है। एम स्केयर का मतलब है m गुणा में m, यानी कि 2m गुणा में आएंगे, एक m ने बाहर ले दिया पीछे क्या बचेगा सिंगल m, क्योंकि तो बीच का चिन्ह है वो प्लस का लगाएंगे, 2m में से m को हमने ले लिया तो पीछे बचा सिर्फ 2, तो पहला जो खंड जोड़ा था उसमें क्या कॉमन आया m प्लस 2 बीच में आएगा और कॉमन लिया हमने m। अब बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस का, अब दोनों में m तो आ नहीं रहा, सिर्फ क्या संख्याएं हैं तो संख्या के आधार पर हम देखेंगे 16 और 32 ये दोनों क्या है 16 के पहाड़े में 32 भी आता है तो दोनों में कॉमन आ गया हमारा 16, तो 16 m में से हमने 16 कॉमन ले लिया पीछे क्या बचा सिर्फ m। अब मैंने पहले भी बताया था यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस की संख्या है या माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो अंदर प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। 32 का मतलब 16 गुना 32, हमने 16 बाहर ले लिए पीछे क्या बचा 2, तो 2 है। अब ये पूरा पद है तो चिन्ह एक है तो पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है m प्लस 2, तो m प्लस 2 हमने बाहर ले लिया। अब जो पीछे बचेगा उसे हम लिखेंगे, तो पहले पद था इसमें m प्लस 2 कॉमन ले लिया पीछे बचा m, तो m लिखेंगे यहाँ पर पहले, फिर जो चिन्ह बीच में लगा हुआ चिन्ह बीच में लगाएंगे, इसमें देखिए एम प्लस 2 बाहर ले लिया पीछे बचेगा सिर्फ 16 से यहाँ पर लिख देंगे 16, तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड यहाँ पर हो गए। अब हम क्या करेंगे इसमें भाग लेंगे, ये जो कार्य किया है हमने ये रफ कार्य है, हमें प्रश्न के साथ साथ इसको नहीं लिखना है, ये हमने पीछे रफ पेज पर काम करना है। तो हम देंगे इसका भाग, भाग देंगे तो देखिए हम जो दिया हुआ है इसको पहले भाज्य को ऊपर लिखेंगे, समीकरण एक हम इसको नाम दे सकते हैं। अब हमारा प्रश्न था एम स्क्वायर माइनस के 14m माइनस 32, इसको पहले प्रश्न को दोबारा लिख दें एम प्लस 2, अब जो पहला पद है यानी जो भाज्य है उसे हम अंश में लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 बटे में एम प्लस 2। अब इसके बाद में लिखेंगे समीकरण एक से गुणनखंड का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड हमने किए थे m प्लस 2 m माइनस 16, तो ये पहले लिखेंगे
m प्लस टू ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे m माइनस 16 बटे में m प्लस टू। अब देखें m प्लस टू ऊपर भी है, m प्लस टू नीचे भी है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल यानी कि कट हो जाएंगे, उत्तर आएगा एक। पीछे बचा सिर्फ हमारा m माइनस 16, तो इसको हम नोट कर लेंगे वैसे का वैसा m माइनस 16, यानी कि जब हम m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 में भाग देंगे m प्लस टू का, तो हमारा जो गुणनखंड है वो तो हमने कर लिया। इसके अंदर दो प्रश्न है, पहले गुणनखंड करने फिर भाग करना है, तो गुणनखंड का काम हम सबसे पहले करेंगे, गुणनखंड प्राप्त होने के बाद में फिर हम भाग करेंगे। तो भाग जब हमने किया तो हमारे पास में लास्ट में उत्तर प्राप्त हुआ m माइनस 16, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको एक दो बार करें, प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे इसका भाग तीसरा पांचवें प्रश्न का। इसमें आपको देखते हैं 5p की स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 में भाग देना है p माइनस 1 का। तो सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड, यानी गुणनखंड करने आपने भाज्य के, तो भाज्य लिखेंगे 5p की स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। अब देखें ये जो पूरा पद है तीन पदों का व्यंजक है, इसमें सभी के अंदर क्या 5, 25 और 20 संख्या के तौर पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, सभी में ये सभी के सभी क्या है 5 से भाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5p स्क्वायर में से हमने 5 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा सिर्फ p स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है, 25 का मतलब 25 से गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 यानी 5 × 5, इसमें हमने एक 5 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 5p, प्लस का चिन्ह है, 20 के गुणनखंड करेंगे तो 5 × 20 5 हमने कॉमन ले लिया पीछे बचा 4, तो यहां पे रह गया 4। अब हमारे पास में है ये, तो पहला पद और अंतिम पद पूर्ण वर्ग धनात्मक है, लेकिन यहां पर जब हम बीच में मान रखेंगे तो हमारा उत्तर वह नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अगर हम इसके करते हैं तो बीच में माइनस का चिन्ह है, पहला और अंतिम पद है, देखते तीन पद आते हैं हमारे दिमाग में दो चीज आती है, या तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर के तौर पर आएगा या a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, तो क्योंकि पहला अंतिम पद क्या है पॉजिटिव है यानी प्लस में है, पहला भी पूर्ण वर्ग है और दूसरा भी पूर्ण वर्ग है, 4 2 का वर्ग है और p स्क्वायर p का वर्ग है, तो यदि इसको हम करेंगे तो हमारा क्या उत्तर आएगा, देखें p स्क्वायर माइनस प्लस लास्ट वाला पद लिखेंगे 2, बीच में क्या लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब हमारा a p है और b हमारा 2 है, यानी 2 गुणा में p गुणा में 2, लेकिन गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, यदि हम गुणा करेंगे इसको तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p स्क्वायर यानी 4 प्राप्त होगा। यहां पर हमें 5p चाहिए लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए ये तरीका हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसका तरीका वही काम करेगा जो हम अब तक करते हैं यानी गुणनखंड वाला जो पहले दो क्वेश्चनों में किया है, तो इसको हम नहीं करेंगे, तो हम वही तरीका अपनाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि लास्ट जो पद है इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 4 के गुणनखंड करेंगे, 4 के गुणनखंड क्योंकि प्लस में है, ये किसमें है माइनस में, तो देखिए 4 के गुणनखंड करते हैं 4 × 4 क्योंकि प्लस की संख्या को दो अगर प्लस की संख्याएं उनको गुणा करेंगे तब भी उत्तर किसका आता है प्लस का आता है, और यदि माइनस की दो संख्याएं उनका गुणा करें तो भी किसका आता है प्लस का आता है, तो माइनस के 4 गुणा में माइनस का 1। मैंने पहले बताया था यदि पहली संख्या प्लस की है उसका संख्या का प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा, यदि दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है और उनका गुणा हो रहा है तब उत्तर किसका आएगा, दोनों चीज यदि समान है तो गुणा करने पर उत्तर हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, तो देखिए इन दोनों का यदि गुणा करें 4 × 4 दोनों प्लस के तब उत्तर 4 आएगा, और माइनस के 4 × -1 गुणा करने पर उत्तर तब भी प्लस के 4 ही
आएगा। अब इनका जोड़ करके देखेंगे तो पहला कितना है, चार, दोनों प्लस के हैं तो उत्तर आया प्लस के पांच, लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस के पांच चाहिए, तो हम दूसरा देखते हैं माइनस के चार, फिर माइनस का एक, दोनों को जोड़ने पर क्या उत्तर प्राप्त हुआ, माइनस के पांच। यानी हमें ये जो खंड किए हैं ये हमारे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उचित है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखें पांच भारी रहेगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, यानी माइनस के चार पी, फिर माइनस का एक पी, यानी कि सिर्फ पी प्लस के चार। अब ये दोबारा क्या हो गया, चार पदों में गया, पहले दो पद और अंतिम दो पदों के जोड़े बनाएंगे, पांच हमारा बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों में क्या, पहले दो पद हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ पी, ब्रैकेट छोटा लगाएंगे। अब पी स्क्वायर का मतलब पी गुणा में पी, एक पी हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या पता सिर्फ पी, तो यहां पर पी, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, चार पी में से हमने टी कॉमन ले लिया, पीछे बचा चार, अब हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह जो कि यहां पर है। अब पी और चार, जब कोई संख्या ना दे रखी हो, ना दोनों में चर राशि कॉमन आ रही हो, तब उसका कॉमन जो चीज होती है, जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं आती, निसार खंड कहीं पे कोई प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसका सार गुणनखंड सद का एक होता है, तो यहां लिखेंगे हम एक। अब P का मतलब है वन, P means वन माइनस मल्टीप्लाई P, यानी एक का गुणा P से करने पर उत्तर P प्राप्त होता है, एक को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा P, P। अब अंदर कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, लेकिन बाहर जो हमने कॉमन लिया उसमें चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, जब बाहर ब्रैकेट के माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह हम अपने यहाँ पर परिवर्तित कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस लगाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, चार एकम चार तो एक कॉमन ले लिया, पीछे बचा चार, तो हमारा गुणनखंड प्राप्त होगा, ब्रैकेट लगा रखा है। अब दोनों ही जो है उनमें पी माइनस चार दो पद रह गए, अब पहले में पी माइनस चार, दूसरे में पी माइनस चार कॉमन आ रहा है, तो पी माइनस चार हमने यहां पर कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन लेने के बाद पीछे पी बचा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे पी, फिर यहां माइनस का एक है तो माइनस का एक लगाएंगे, क्योंकि ये पी माइनस चार हमने पहले कॉमन ले लिया, इसको कर देंगे बंद। यानी ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड करने का कार्य यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अब हम क्या करेंगे, भाग, ये दूसरा जो हिस्सा इसका हिस्सा है भाग करने वाला, वो भाग करेंगे। तो देखें क्या है हमारा, पांच ब्रैकेट में पांच पी स्क्वायर माइनस पच्चीस पी प्लस बीस में भाग देना है किसका, पी माइनस एक का, तो क्या लिखेंगे, पांच पी स्क्वायर माइनस पच्चीस पी प्लस बीस, भाग का चिन्ह बटे में बदल जाएगा, जो भाजक है वो हमारा अंश है, अब हर में आ जाएगा। अब हम करेंगे गुणनखंड का मान यहां पर रखेंगे, यानी इसके गुणनखंड किए हैं तो क्या लिखेंगे, पांच ब्रैकेट के बाहर पी माइनस चार और पी माइनस एक, यहां पे आप लिख सकते हैं समीकरण एक से, इसको हम समीकरण एक का नाम हर बार देंगे, इसके बटे में जिससे हमने भाग देना, भाग किसे दे रहे हैं, पी माइनस एक से। अब देखें P माइनस एक से ये P माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, पांच P माइनस चार हमारा पीछे रह जाएगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर पांच का भाग नंबर चार, इसमें दे रखा है चार वाई जेड ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड माइनस सोलह ब्रैकेट बंद, फिर भाग का चिन्ह दो वाई ब्रैकेट के अंदर जेड प्लस आठ, यानी जो पहले हमारा भाज्य है उसके हम करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के लिए क्या लिखेंगे, चार वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस छह जेड माइनस सोलह, और देखिए इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रही, इसलिए कॉमन देने का काम नहीं करेंगे, इसमें तीन पद है, तीन पद में से तीसरा पद जो है वो हमारा माइनस का सोलह, यानी माइनस के सोलह, क्योंकि पहला जो पद है जेड स्क्वायर का कोई गुणक नहीं है,
तो हम करेंगे माइनस के 16 के गुणनखंड। माइनस 16 में जब यहाँ पर माइनस की संख्या है, जो दो खंड करेंगे उसमें एक हमेशा प्लस का और एक रहेगा माइनस का। 16 के गुणनखंड करेंगे तो एक 16 गुणा में माइनस का एक, और दूसरा खंड हो जाएगा माइनस के 16 गुणा में एक। यानी हमें यहाँ पे चाहिए प्लस के 6, यानी जो बड़ा खंड होगा वो हमारा प्लस का होगा और जो छोटा खंड होगा वो हमेशा माइनस का लेंगे हम तभी। अब देखें इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 16 माइनस एक और माइनस के 16 प्लस एक, इसमें उत्तर आएगा प्लस के 15 और इसमें आएगा माइनस के 15। यानी ये खंड हमारे काम का नहीं है। अब दूसरा खंड करेंगे, 16 के दूसरा खंड होता है 8 गुणा 2, यानी 8 गुणा 16, एक बार माइनस का 8 लेंगे या पहले हम माइनस के 2 ले लेते हैं, फिर माइनस का 8 गुणा में प्लस के 2। अब इनको सीधा वैसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 2 यानी प्लस के 6, माइनस के 8 प्लस के 2 घटाने पर माइनस के 6। अब हमें यहाँ चाहिए प्लस के 6, यानी हमारे लिए खंड कौन से सही है उपयुक्त है, वो है 8 गुणा माइनस के 2। हमें चाहिए प्लस का, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर मान रखेंगे तो 4yz ब्रैकेट लगाएंगे, पहला पद वैसे का वैसा जेड स्क्वायर, अब प्लस 8z-2z-16। अब देखिए क्या हो गए हैं, 8z-2z करने पर 8 में 2 जाएंगे 6, यानी हमारा जो खंड किया वो एकदम सही है। अब ये 4 पद हो गए, तो पहले 2 पद और अंतिम 2 पद हैं, इनके जोड़े बना लेंगे। अब जो जोड़े बनाए इनमें से कॉमन लेंगे, तो पहला जो ब्रैकेट के बाहर हो वैसे का वैसा ही 4yz याद लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। अब पहले दोनों के अंदर देखिए संख्या कोई कॉमन नहीं आ रही, कॉमन आ रहा है जेड, तो जेड हमने बाहर कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर में जेड कॉमन ले लेंगे तो पीछे सिर्फ बचेगा जेड। अब 8z में से जेड हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा सिर्फ 8 + 8, यहाँ पर आगे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब जो बीच में है माइनस का चिन्ह वो लगा देंगे। अब 2z-16, अब 2 और 16 दोनों समसंख्या हैं, अर्थात हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब लगाएंगे हम छोटा ब्रैकेट, 2z में 2 कॉमन ले लिए, पीछे बचा जेड, तो जेड यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ है माइनस का चिन्ह, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, वो है माइनस का चिन्ह। जब हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो अंदर जो हम संख्या लिखेंगे ऊपर देखेंगे, ऊपर जो चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह लगाएंगे। यदि माइनस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम लगाएंगे प्लस का, तो प्लस का आ गया। अब 16, यानी 8 × 16, तो हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर, पीछे बचा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ब्रैकेट बड़ा क्लोज कर देंगे। अब देखें ब्रैकेट के अंदर है ये 2 पद हो गए, पहले पद में जेड, ब्रैकेट में जेड प्लस 8, दूसरा है माइनस के बाद में 2, ब्रैकेट में जेड प्लस 8। अब हम देखो हम कर जो है इसके अंदर 7 गुणनखंड निकालेंगे, बाहर वाला भी सेम रहेगा, 4yz बड़ा ब्रैकेट, और z प्लस 8 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे z प्लस 8 ब्रैकेट पर। अब z प्लस 8 यहाँ को मान लिया पीछे, इसमें क्या बचा सिर्फ z, यहाँ पर माइनस के 2, तो माइनस के 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ा ब्रैकेट भी ऑफ कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास इस भाज्य के गुणनखंड प्राप्त हो गए। लेकिन सबसे पहले हमें गुणनखंड ही करने, तो हम गुणनखंड कर चुके हैं, अब हम करेंगे इसका भाग। तो देखें हमारे पास लिखा हुआ है 4yz ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस 6z-16 भाग में है 2yz प्लस 8। तो जो हमारा भाज्य है इसे हम
ऊपर लिखेंगे अंश के तौर पर 4z z² + 6z - 16 बटे में जो हमारा भाज्य है उसे हम हर के तौर पर लिखेंगे 2y z + 8। अब समीकरण एक से हम गुणनखंड का मान रखेंगे। समीकरण एक क्या है 4yz गुणनखंड किए तो प्राप्त हुआ z + 8 और z - 8। तो लिखेंगे 4yz z + 8 और z - 2 बटे में है 2yz + 8 ब्रैकेट क्लोज। z + 8 से z + 8 क्लोज हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को भाग देंगे उत्तर आ जाएगा 2। तो हमारे पास 2y का भाग दिया 4y + z में तो उत्तर आया 2z। ऊपर जो काटने के बाद में हमारे पास पीछे बचा वो था ब्रैकेट में z - 2। तो ये हमारा है आंसर। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार के हैं। यदि गुणनखंड इस प्रकार से है तो आप उनको इसी प्रकार से करेंगे, जो प्रॉपर्टी लागू होती है वैसे के वैसा कर देंगे। अगर नहीं हो तो हम अगले भाग में जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू।